हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं. यू गाइस आर इंक्रीजिंग माय सब्सक्रिप्शंस एवरी डे. थैंक यू सो मच. बट अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज दिस विल इनकरेज मी. तो आज का जो हमारा क्यू कार्ड है वो है कि हमने किसी ऐसे बंदे के बारे में बात करनी है जिसको प्लेन से ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता हो. कौन है, उसको क्यों अच्छा लगता है और आप उसको कैसे जानते हो. लेट्स सी द वोकैब फर्स्ट. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ मेस्मराइजिंग. उसका मतलब होता है किसी कोई ऐसी चीज़ जो आपके अटेंशन पूरी तरह से ग्रास्प कर ले. ठीक है, जैसे एकदम से हम मंत्रमुग्ध हो जाएं देख के. अल्योरिंग मीन्स ब्यूटिफुल. हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी हिंदी में. कीन का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना. ओके, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से चाहना या विश करना. सो लेट्स सी द इंग्लिश वर्जन. देर आर लॉट ऑफ मीन्स टू ट्रैवल नाउ डेज, बट वन ऑफ द कम्फर्टेबल एंड फास्टेस्ट मीन इज बाय एयरप्लेन. हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ वेरी कीन ऑन ट्रैवलिंग थ्रू एरोप्लेन. शी इज़ माई कजन अदिति. एक्चुअली लास्ट ईयर शी गॉट द जॉब इन मुंबई एंड टू सच अ गुड अपॉर्चुनिटी शी जस्ट कांट से नो. बट शी इज़ वेरी होमली पर्सन, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डिसाइड वॉट टू डू. देन हर पेरेंट्स एडवाइज्ड हर टू ट्रैवल एवरी वीकेंड टू हर नेटिव प्लेस, दैट इज दिल्ली फ्रॉम बॉम्बे. दिस वे शी विल बी विद हर फैमिली ऑल्सो एंड शी नीड नॉट टू रिफ्यूज द अपॉर्चुनिटी शी गॉट. सो शी हैड ट्रैवल्ड एवरी वीकेंड फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली बाय एरोप्लेन एंड शी हैड टोल्ड मी अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग थ्रू एरोप्लेन. हेयर आई वुड लाइक टू हाईलाइट सम. फर्स्टली शी टोल्ड मी दैट द जर्नी इज़ वेरी कम्फर्टेबल एंड टाइम सेविंग. द जर्नी फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज़ ओनली 45 मिनट्स बाय प्लेन, विच इज़ अराउंड अ डे बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सेकेंडली शी टोल्ड मी अबाउट द एयर होस्टेस स्टाफ एंड देयर हॉस्पिटैलिटी. She told me that it really feels like a luxury travel when you travel by plane because the staff was always there to help you out with anything. Lastly, she shared about the experience of watching clouds from the window, that it was mesmerizing and alluring view and one can see those clouds for years. Her description of benefits to travel through airplanes has also increased my desire to travel through plane soon. Okay guys, so this was the English version. Now let's see the translated version. वैसे तो ट्रैवल करने के बहुत ज़्यादा तरीके आ गए हैं आजकल, मीन्स मैंने तरीके आ गए हैं, पर सबसे आरामदायक और तेज़ तरीका है एरोप्लेन से ट्रैवल करने का. यहाँ पे मैं एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करना चाहती हूँ जो जिसको ट्रैवल करना बड़ा पसंद है या उसको बड़ी विश रहती है, वो है मेरी कज़न अदिति. एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट ईयर उसकी जॉब लग गई थी मुंबई में और उस ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो इसको ना नहीं कर सकती थी. पर वो बहुत ही होमली पर्सन है. होमली पर्सन मतलब उसको अपने घर पे रहना पसंद है अपने पेरेंट्स के साथ. तो उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीज़न था ये. फिर उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि यार तू एक काम करियो कि हर वीकेंड पे अपने नेटिव प्लेस मतलब जहाँ से वो बिलोंग करती है, दिल्ली आ जाया करियो बॉम्बे से. इस हिसाब से तू फैमिली के पास भी रहेगी और तुझे ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़नी भी नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो इस करके उसको ट्रैवल करना पड़ता था हर वीकेंड और वो बाय एयरप्लेन ही ट्रैवल करती थी. कि उसने मुझे बताया, उसने बहुत सारी रोमांचक स्टोरियाँ, इंटरेस्टिंग, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरीज सुनाई हुई थी कि प्लेन से ट्रैवल करने के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, फ़ायदे बेनिफिट मैंने फ़ायदे क्या क्या होते हैं. मैं कुछ हाईलाइट करना चाहती हूँ. पहला उसने मुझे बोला कि जर्नी बड़ी ही आरामदायक और टाइम सेविंग होती है. मुंबई से दिल्ली बाय प्लेन आप 45 मिनट में आ जाते हो. बाकी कोई और तरीका ले लो, चाहे ट्रेन चाहे बस, उसमें एक दिन तो लग ही जाता है, एक दिन या उससे ज़्यादा लगता है. दूसरा, जो एयर होस्टेस होती है उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होती है. उसने बोला कि ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप बहुत ही लग्जरी ट्रैवल कर रहे हो, मीन्स बहुत ही हाई फाई ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि वहाँ का स्टाफ हमेशा हर चीज़ में आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है. आखिर में उसने ये भी शेयर किया कि बादलों को देखना विंडो में से बड़ा ही खूबसूरत लगता है और बंदा खो जाता है उसमें और उसको सालों तक देख सकता है. उसकी ये डिस्क्रिप्शन ने मेरी भी इच्छा बढ़ा दी है कि मैं एयरप्लेन से जल्दी ट्रैवल करूं. ओके गाइस, सो दिस वाज इट. जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी.